नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। साथ ही साथ सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप पहले PDF के माध्यम से है ना सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिविजन करें। आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एंड्रू कैंबेल, ऑप्शन नंबर बी। जी हां, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जनानी झूमर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या तीसरा, आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 किस संगठन का गठन हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या चार, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना अर्जी मुकिमपुर है ना संथाल परगना, अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या पांचवा, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? जी हाँ, तो कुपनी भी है, कांचा भी है, दहरी भी है, उपरोक्त सभी, यह सब सभी जो है वह संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या छह, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या सातवा, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है ना, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जैन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण तीन तीर्थ स्थलों का केंद्र में से एक है। जी हाँ, यह जैन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र में से एक है। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या आठवा, संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो कदोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या नौ, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्बरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या दस, कंघीकट कोम्बकट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उराव जनजाति की, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मक्के की दलिया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, झारखंड उद्योग राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और घाट शिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और वन आधारित उद्योग। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 13, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मांझी रामदास टूडू। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 14, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, यह झारखंड में लिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 15, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तीन उपक्षेत्र में जो है विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस एक खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है वह तीरंदाजी से है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके संस्कृति प्रकार के आधार पर किया? तो वे थे है ना ललिता
प्रसाद विद्यार्थी, कौन थे? ललिता प्रसाद विद्यार्थी, जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद का जो है संभाला है, किसने? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, दोनों। ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था, 25 वर्ष की आयु में, वो कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? तो उनका नाम था बिरसा मुंडा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, है ना, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को निम्न से कौन से नाम से भी नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका धरती आबा का उलगुलान, ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा का उलगुलान। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 21, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका जुन्हा फॉल, जुन्हा फॉल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आप जानते हैं झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को, तो किसका हिस्सा था? तो बिहार का, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23, झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकला चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विवाहित महिलाएं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, डंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले के एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो उत्तर हो जाएगा रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन जो है कब किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1995 में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुवाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ यानी गैस के सदस्य थे? तो कौन थे? वो थे बोरोवास की, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 27, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका दयामिनी बारला, दयामिनी बारला, दयामिनी बारला, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है ना जो है झारखंड के पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? उत्तर हो जाएगा आपका डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा जहां 15 महिलाओं का एक छोटे एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके, इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है उद्यमी सखी मंडल योजना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड राज्य का पुष्प राज्य पुष्प माना जाता है? तो वह है पलाश का फूल, ऑप्शन नंबर ए, जो झारखंड राज्य का, झारखंड का जो है वह राजकीय पुष्प है पलाश का फूल, जी हां। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना, उस एनआरएलएम का नाम क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा आजीविका, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32, झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है, यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खिलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? रघुवर दास के द्वारा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 33। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भू विज्ञान विभाग के खनिजों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगी, तो वह उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है, तो वह जनजाति सौरिया पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के जो है वह दक्षिण में स्थित है, इधर स्थित है दक्षिण में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमाझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर जो है स्थित है, तो वह टाउन कौन सा है आपका, वह है गेतलसुद बांध। जी हाँ, गेतलसुद कौन सा बांध है ना, तो गेतलसुद बांध। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 37। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से 22वीं भारत रंग महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया था, है ना, तो किस शहर में किया गया था, रांची में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38। झारखंड के किस नर्सिंग कॉलेज की जो है मान्यता स्वास्थ्य विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है ना, तो कौन कौन सा कॉलेज है, ए बी स्कूल ऑफ नर्सिंग कोकर रांची, इसका भी मान्यता रद्द किया गया, रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज टीटी सिल्वे रांची, इसका भी मान्यता रद्द किया गया, एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिमडेगा, इसका भी, इनमें से सभी कॉलेज का जो है मान्यता जो है वो रद्द कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 39। 16 फरवरी 2023 को तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किस निजी विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया था, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, है ना, सोनी देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 40। हाल ही में विमोचन किया गया पुस्तक डॉक्टर कहकाशा प्रवीण फिक्री व फनी जहाज के लेखक कौन हैं, तो उसके लेखक हैं मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। जी हां, यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 40 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे, और हम बहुत कम ही समय में आपको जो है प्रतिदिन मॉक टेस्ट लाकर जो है बहुत सारा प्रश्न का रिवीजन करवा दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है इससे। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिख करके बताएं, है ना, तब उससे हम समझेंगे कि आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, और उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।